पूछना चाहेंगे कि सोशल आप ज़्यादा इवेंट्स में नहीं दिखती हैं, कहीं ज़्यादा फैशन इवेंट्स में नहीं दिखती है, लेकिन सोशल कॉज में आप ज़्यादा दिखते हैं, क्या वजह है? इट्स वंडरफुल अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं यू नो फैशन इवेंट्स में क्यों नहीं आती. वेल, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ सुबह. यू नो आई एम अप एट 5 o'clock, 5:30. और अगर मैं रात को अगर फैशन इवेंट्स या पार्टीज पर जाऊँ तो मैं सुबह उठकर अपना रियाज नहीं कर पाती. तो वो सबसे पहला कारण है कि मैं सुबह उठकर अपना योगा करती हूँ. एंड आई डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड अ लॉट ऑफ रियाज. बट टेरी फॉक्स इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड पिछले 3 सालों से आई बीन एसोसिएटेड विद इट. इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. बहुत सारे छोटे बच्चे हैं स्पेशली इन इंडिया जो कैंसर से लड़ रहे हैं. एंड टेरी फॉक्स एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी उनके लिए, बिकॉज टेरी फॉक्स वॉज जस्ट अ 23-year-old बॉय who died of cancer or prosthetic leg ke sath, you know, he ran across the nation taki he could generate funds where cancer research is concerned. But this exercise with Mr. Kriplani and, you know, the entire committee of the has put together the Marathon of Hope is so that we can spread a positive atmosphere, a positive energy and a positive message all about love, about never giving up. It's important for little children because they have such impressionable minds. And I think the more time we spend with them, the less they'll think about their illness. मेरा फिटनेस फंडा है बी लाइक लिटिल चिल्ड्रन. ढेर सारा दूध पियो, ईट अ लॉट ऑफ स्पिनच लाइक पोपाई एंड हैव अ लॉट ऑफ ऑरेंज जूस, इसलिए आपके पिंक चीक्स रहेंगे. या दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई थिंक बच्चों की लाइफ बहुत ही प्योर होती है और सच्ची होती है. तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को उसी ढांचे में ढालें तो आप बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखेंगे और उन्हीं की तरह बातें करेंगे. चाहे दुनिया कहे कि यू नो आई थिंक शी इज़ अ लिटिल क्रेजी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं प्लीज़ ग्रो अप, बट आई रियली डोंट वांट टू ग्रो अप बिकॉज इट्स वंडरफुल बीइंग अ चाइल्ड. तो क्या आपको लगता है कि आप में अभी भी वो बचपन की यादें अभी भी आप जब छोटी थी तो क्या आप भी ऐसे सोशल कॉजेज में आया करती? नहीं, जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल वक्त नहीं, यू नो मुझे लगता था नो आई एम नॉट कमिंग फॉर एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल आई एम हैविंग फन. बट आई थिंक जब आप यू नो आपकी उम्र बढ़ती है ऑटोमेटिकली ग्रे सेल्स भी होपफुली बढ़ते हैं. So you get a little more, you feel more fulfilled when you're actually doing something that brings a smile to someone else's face. And it's also wonderful, it's a great growth in your own character. You feel happy about such events as well. So I just do it naturally, I hope so. Okay, so Rageshwari ka stress buster kya? Mera stress buster is spending time with children. Kyunki ye mujhe mere kaam ke baare mein nahi poochte, ye mujhe ye nahi poochte aapki album kaise chal rahi hai, ye mujhe ye nahi poochte, you know, how old are you, why are you not getting married? Like my parents and my friends. So I think it's just wonderful to spend time with little children क्योंकि इनकी बातें इतनी सच्ची होती हैं और प्यारी होती हैं and they just make me feel positive. एक last सवाल पूछूंगी, आपकी strengths and weaknesses क्या? मेरी strengths I would say कि I hope that I have no ego. आप मुझे अगर कहें कि stairs पर बैठकर खाना खा लो, so I think I can do that. So I love to be very flexible. And I'm always smiling under any circumstance. My weaknesses would be that I think I get very attached to people too soon, and then I really really feel bad when I get separated from them. So I think I get too attached very soon. That's about it. Thank you. I'll just bring you back.